हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। स्टूडेंट्स, कई बार आप हमें मैसेज करते हो कि आपको हमारी वीडियोस नहीं मिली, तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिल सके। स्टूडेंट, हम 8th क्लास का 14 चैप्टर कर रहे थे, आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे। स्टूडेंट, हमने 14.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ सम तक हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक, आज हम फिफ्थ सम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, फिफ्थ सम में देखो, यहाँ फोर तक टू टू टर्म्स दी हुई थी सभी में, ठीक है। फिफ्थ सम से यहाँ पे थ्री टर्म्स आ गई हैं। देखो यहाँ पे एक प्लस का साइन और दूसरा, ये वन टू थ्री, थ्री टर्म्स हैं। अब तीनों में हमने देखना है जो भी कॉमन हो उसे हम बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, ये 5 है, यहाँ पे 10 और यहाँ 15, ठीक है। पहले नंबर्स देखें तो 5 सभी में कॉमन आ रहा है। अगर 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10, यहाँ 15 है तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे x देखो, सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1, ये 3 है, ये 2 है और ये 1, तो 1 जो है सबसे छोटी पावर, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। एक तो 5 सभी में से कॉमन आ गया बाहर, दूसरा x, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 5 बाहर है, x की पावर 3 थी, 1 तो निकल गया बाहर, तो 2 बच गए अंदर, ठीक है। 5 बाहर है, 2 रह गया यहाँ पे, प्लस का साइन पहले लगाएंगे। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स बाहर और एक अंदर बच गया, यहाँ पे 5 बाहर है, 3 बच गया, और एक्स एक था, एक हमने बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे अकेला 3, तो ये हो गए हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्लियर। नाउ फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ 12, तो 6 कॉमन निकल रहा है सभी में, 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2, ठीक है। 6 कॉमन निकलेगा, और क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे x सबसे छोटी पावर 1 है, ये 2 है, ये 3, तो 1x को हम बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, है ना। यहाँ पे क्या बचा, 6 बाहर है, x 1 बाहर है, और 2x की पावर 2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पे 6x बाहर है और यहाँ पे अकेला x, देन प्लस का साइन, फिर x 6 बाहर है, x भी बाहर है, अकेला क्या बचा यहाँ पे, 2, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये आ गया फिफ्थ का सेकंड पार्ट का आंसर, क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।